दोस्तों सोमवार को खेले गए राजस्थान और कोलकाता के बीच मुकाबले में युजवेंद्र चहल ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। उन्होंने मैच में आईपीएल 2022 की पहली हैट्रिक भी ली। चहल ने 17वें ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर श्रेयस अय्यर, शुभम मावी और पैट कमिंस के विकेट लेकर पूरा मैच ही पलट दिया। इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने वेंकटेश अय्यर को भी आउट किया। चहल ने जैसे ही हैट्रिक अपने नाम की पूरा स्टेडियम झूम उठा। खुद चहल ने अनोखे अंदाज में हैट्रिक विकेट को सेलिब्रेट किया। मैच देखने चहल का परिवार भी आया था। पत्नी धनश्री भी चहल के साथ विकेट का जश्न मनाती हुई नजर आई। दोस्तों चहल ने मैच में 40 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। ये आईपीएल में उनका सबसे बढ़िया प्रदर्शन है। आईपीएल 2022 युजवेंद्र चहल ने अब तक 6 मैचों में 17 विकेट ले चुके हैं। दोस्तों युजवेंद्र चहल से पहले कुछ और भारतीय हैं जो कि आईपीएल में हैट्रिक ले चुके हैं। चलिए उनके बारे में भी आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों चहल से पहले भारतीय गेंदबाजों में लक्ष्मीपति बालाजी, अमित मिश्रा, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, प्रवीण कुमार, अजील चंदेला, प्रवीण तांबे, अक्षर पटेल, जयदेव उनादकट, श्रेयस गोपाल और हर्षल पटेल ने आईपीएल में हैट्रिक ली है। अमित मिश्रा ने सबसे ज़्यादा 3 बार ये कारनामा किया है। दोस्तों अब देखने की बात यह है कि युजवेंद्र चहल अमित मिश्रा के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाते हैं, उनके रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं कि नहीं। अगर दोस्तों आप लोग भी युजवेंद्र चहल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो अभी की हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।